इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करते हुए मात्र 30,000 का लेटर दिया। हमें आशा है, पूरा विश्वास है कि ये सरकार अपनी है और इस सरकार में ऐसे तमाम पदाधिकारी को हम लोग चुनने का काम कर रहे हैं जो गलत कर रहा है। कलाकारों को भद्दी भद्दी गाली दिया और जो बोला कि डूब मरो प्रताड़ित किया। आदरणीय हमारे जितने बड़े नेता थे उन्होंने दुलारा पुचकारा, समझाया कि ऐसे नहीं करना चाहिए, आराम से इस पर काम होगा। कुछ भाजपा मैंडेट जो अधिकारी हैं जो बैठे हुए हैं अभी तक और मलाई सोचते हैं कि ये लोग से भी पैसा लेकर के काम दे तो हम लोग नहीं ना चलने देंगे। आरजेडी के पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह महागठबंधन सरकार के अधिकारियों से नाखुश थे, वहीं अब लालू प्रसाद यादव भी अधिकारियों से नाखुश है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, हम अभी आरजेडी कार्यालय में हमारे साथ हैं छोटे लालू, जिन्हें कृष्णा यादव भी लोग कहते हैं और इनका नाम कृष्णा यादव है लेकिन इन्हें छोटे लालू के नाम से लोग जानते हैं। आप क्यों नाराज हैं अधिकारियों से? कल धरना पे बैठ गए थे इसी कार्यालय के बाहर। बिल्कुल, और अभी निरंतर हम उसके इलाज में लगे हुए हैं। ऐसे जो पदाधिकारी है, सरकार तो आपकी है, हमें आशा है, पूरा विश्वास है कि ये सरकार अपनी है और इस सरकार में ऐसे तमाम पदाधिकारी को हम लोग चुनने का काम कर रहे हैं जो गलत कर रहा है। आखिर मामला था क्या? मामला था कि पर्यटन के जो डायरेक्टर हैं वो हम कलाकारों को भद्दी भद्दी गाली दिया और जो बोला कि डूब मरो प्रताड़ित किया। ये घटना कब की और क्या हुआ? ये परसों की घटना है, जब हम लोगों ने कहा कि सर हम लोग भूखे प्यासे 1.5 महीने से आपके यहाँ आते हैं काम के लिए और हम लोग का काम का क्या हुआ। हम लोग नेशनल अवार्डेड कलाकार हैं तो 30,000 का लेटर हमको थमा दिए, बोले कि ये ही कीजिए, 30 आदमी का हमारा टीम है, बताइए 30,000 का बजट में क्या होगा। किस तरह का काम था? और पर्यटन विभाग के मैनुफैक्चर में वेबसाइट पर डाला हुआ है कि वैसे कलाकार जो राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय और जो नेशनल अवार्डेड हैं, यानी कि राष्ट्रीय अवार्डेड हैं या फिर बिहार सरकार से सम्मानित हैं, वैसे कलाकारों को 1,00,000 से ज़्यादा मानदेय पर्यटन विभाग देती है। 1,00,000 से और भी कई अधिक हो सकता है, लेकिन इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करते हुए मात्र 30,000 का लेटर दिया, जो कि अभी मेरे पास है। कल उसका प्रोग्राम है सोनपुर मेला में, वहाँ भी जाएंगे और इस काले कारनामे को वहाँ मंच से भी खुलासा करेंगे, क्योंकि और तब हम यहाँ आए और अपने पदाधिकारियों को बताया विरोध प्रदर्शन की जैसे मेरे साथ हुआ है, तो उन्होंने आश्वासन दिया है। आदरणीय हमारे जितने बड़े नेता थे उन्होंने दुलारा पुचकारा, समझाया कि ऐसे नहीं करना चाहिए, आराम से इस पर काम होगा। और आपको दुलारा पुचकारा? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जो सीनियर लीडर हैं सब लोग मिलकर समझाए और समझाने के बाद फिर हम समझे और फिर बोला गया कि कार्रवाई होगी। क्या घबराता है, तो हम लोग युवा हैं, कलाकार हैं, जल्दी भावुक हो जाते हैं, क्योंकि कलाकार भावुक। सब लोग आश्वासन दिए हैं कि कार्रवाई। तेजस्वी यादव से बात हुई कि नहीं आपकी? वही संदेश भिजवाए थे कि हल्ला मत करवाइए, सारा काम होगा और जरूर कार्रवाई होगी, गलत होगा, यही आश्वासन। ऐसा क्यों होता है आरजेडी के नेताओं को वैल्यू नहीं देते हैं जो अधिकारी हैं? पहले सुधाकर सिंह जो थे मंत्री थे आरजेडी के, उनकी बातों को नहीं समझा जाता जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वैसे सब अधिकारी नहीं हैं, वैसे कुछ भाजपा मैंडेट जो अधिकारी हैं जो बैठे हुए हैं अभी तक और मलाई सोचते हैं कि ये लोग से भी पैसा लेकर के काम दे तो हम लोग नहीं ना चलने देंगे और गलत हम लोग सुनेंगे नहीं, तो हमने मोर्चा खोल दिया। और इतना ही नहीं, अगर इधर नहीं हुआ तो हम लोग कोर्ट में भी जाएंगे, ये भी कह देते पूरा बिहार का कलाकार कोर्ट के तरफ हम लोग रुख करेंगे। आपने उन्हें अपना परिचय नहीं दिया कि मुझे लोग छोटे लालू के नाम से जानते हैं? और भड़क गया तो क्या बोला? बोला कि 12 टका डूब मरो। तो इस तरह से प्रताड़ना अगर करता है कोई तो हम लोग चुप नहीं ना बैठेंगे। बेइज्जती किसकी हुई? बेइज्जती तो हमारी हुई, हम कलाकारों की हुई जो हम लोग गए थे समूह में, तो इस पर हमारी पार्टी ने कही है कि होगी इस पर कार्रवाई, घबराइए नहीं। नेता से क्या डिमांड करते हैं इस पूरे मामले पर? इस पूरे मामले पर हम अपने आदरणीय नेता से यही मांग करते हैं कि वैसे पदाधिकारी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए और जो सही राशि है वो कलाकारों में वितरित किया जाए, जो विभाग भी कहती है, विभाग के निर्देशानुसार ही काम हो और जो गलत है उसको गलत है उस पर कार्रवाई हो। इसमें मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ?
बिल्कुल, तो ये थे छोटे लालू कृष्णा यादव। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने इन्हें से बदसलूकी की थी, जिसकी वजह से ये परेशान थे और कल इन्होंने धरना दिया था। अब इन्हें आश्वासन मिला है, अब आश्वासन का इंतजार कर रहे हैं। अगर जो आश्वासन जो दिया गया है इन्हें, अगर इन्हें इनका उस आश्वासन पर काम नहीं होता है तो आगे ये लगातार विरोध करते रहेंगे। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।